अगर इंद्रदेव शीघ्र मेहरबान न हुए तो इस बार खरीफ की मौसम में गेहूं का उत्पादन हमीरपुर में भारी मात्रा में गिरने की संभावना बन चुकी है। पिछले कुछ दिनों से बारिश न होने के कारण गेहूं की फसल के स्थानों पर ठीक से उगी तक नहीं है। वहीं के स्थानों पर गेहूं की फसल पीली पड़ चुकी है। कड़ाके की सर्दी के कारण रात को पड़ने वाली सफेद कोहरे की चादर ने गेहूं की फसल को खेतों में फूंकने का काम शुरू कर दिया है। मात्र कुछ स्थानों को छोड़कर पूरे हमीरपुर में गेहूं की खेती इंद्रदेव की मेहरबानी के सहारे ही हो। यदि बारिश समय पर हो जाए तो किसानों की वारे न्यारे हो जाते हैं, मगर सूखे की स्थिति में किसानों के लिए भारी मुसीबत बन जाती है। किसानों ने बताया कि पिछले वर्ष भी बर्फीले कोहरे तथा वर्षा न होने के कारण भयंकर सूखे से उन्हें गेहूं की फसल पर किया गया खर्चा भी पल्ले से नहीं पड़ा था। अब इस वर्ष भी उसी तरह के आसार कोहरा पड़ने तथा बारिश के थम जाने से बढ़ने लगे हैं। उन्होंने बताया कि यदि एक दो सप्ताह में इंद्रदेव मेहरबान न हुए तो उनकी रही से ही आस भी समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार को इस क्षेत्र में सिंचाई के साधनों पर जोर देना चाहिए, क्योंकि जल स्रोतों की इस क्षेत्र में कमी है। ठंडी से स्किन पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना जी। ठंडी से बीमारी का खतरा है, खुश्क ठंड पड़ रही है, और क्या बताएं। जो कोहरा पड़ रहा है उससे क्या आपकी फसल या सब्जियों पे असर हो रहा है? हाँ जी, सब्जियों पे तो असर होगा ही है जी। ठंडी का फसलों पे तो असर हो रहा है जी, बहुत ज्यादा ही असर हो रहा है। जैसे आप बता रहे हैं कि ठंड बढ़ गई है, ऐसा लग रहा है कि कश्मीर यहाँ पे पहुंच गया। इतनी ठंड हो गई है कि यहाँ पे लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं। जो जिस तरह से बाहर निकल रहे हैं, बाहर लोग निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ठंड इतनी बढ़ गई है। जिस तरह से सुबह सुबह निकलते हैं तो हाथों को ऐसी अकड़न होती है। जिस तरह से क्या इससे सब्जियों पे कोई असर हो पा रहा है? जिस तरह आप देख रहे हैं सब्जियों को सिकुड़ गई है, ये खाने योग्य नहीं बची है, और ये आने जिस तरह से इस कोहरे की मार से ये सब्जियां, ऐसा लग रहा है कि ये सब्जियां खाने योग्य नहीं बची हैं, और ये इसमें बहुत मार, इस ठंड से बहुत मार पड़ रही है। वहीं श्रीदेवी ने बताया कि कोहरा अधिक होने से ठंड बढ़ गई है, साथ ही फसलें भी पीली पड़ रही हैं। यदि समय रहते बारिश न हुई तो इस बार फसल की पैदावार नहीं हो पाएगी। वहीं भारती कंवर ने बताया कि तापमान में गिरावट होने के कारण खेतों में लगाई गई बेमौसमी सब्जियों पर कोहरे की मार पड़ रही है, जिससे कि सब्जियां खराब हो रही हैं। कोहरे की वजह से हमारे हमीरपुर शहर में ना काफी सर्दियां पड़ रही हैं, जिससे फसल वगैरह का काफी नुकसान हो रहा है। गेहूं वगैरह जो फसल, अगर अधिक ऐसे ही कोहरा पड़ता रहा तो फसलों का काफी नुकसान होगा। फसलों का नुकसान होने से लोगों को काफी परेशानियां हो रही है, और कोहरे की वजह से काफी बीमारियां भी हो रही हैं, क्योंकि सूखी ठंड पड़ रही है। यदि बारिश ना हुई तो ऐसे कोहरा पड़ता रहा तो अगर बारिश नहीं हो रहा ऐसे कोहरा पड़ता रहा तो ठंड काफी बढ़ जाएगी, और लोगों को काफी बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं कि तापमान में जो वो काफी गिरावट आई, जिसकी वजह से ठंड काफी बढ़ गई है देर रात्रि और सुबह में, और इसकी वजह से जो हमारी गेहूं की फसलें, गोभी की फसलें या जो भी हमारी फसलें लगाई जाती हैं वो उसमें भी काफी जो है वो खराब हो रही हैं। इसी वजह से जो है वो शुष्क ठंड पड़ रही है, जिसके कारण जो है वो बीमारियां भी काफी बढ़ चुकी हैं। गौरतलब है कि बारिश न होने से मौसम की बेरुखी ने अब किसानों को अब फसलों की चिंता सताने लगी है। लगभग एक महीना बीतने पर भी बारिश का नामो निशान नहीं है। कोहरी ठंड और पाले ने जहां खड़ी फसल बुरी तरह से सूख गई है, वहीं मैदानी इलाकों में गेहूं व अन्य फसलों की खेती के लिए जरूरी बारिश नहीं मिल पा रही है।